हेलो एवरीवन, आज हमारा पैसिव डिज़ाइन के लिए सेकंड लेक्चर है। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि पैसिव डिज़ाइन क्या होता है, कहाँ यूज़ करते हैं। जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं अटेंड किया है वो उसको वापस से देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। पार्ट वन करके पैसिव डिज़ाइन का वीडियो है। और आज हम कुछ बेसिक पैसिव डिज़ाइन की टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम पैसिव आर्किटेक्चर को अचीव कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जिस पर पैसिव डिज़ाइन डिपेंड करता है, जो कि है अटेम्प्ट्स टू कंट्रोल हीटिंग एंड कूलिंग विदाउट कंज्यूमिंग द फ्यूल्स। मतलब कि पैसिव डिजाइन्स में हम ऐसा ट्राई करते हैं जहां पे कोई एनर्जी का यूज ना हो, कोई फ्यूल ना लग रहा हो। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो हम यहाँ सपोज करते हैं कि एक रूम है, मतलब दो एग्जाम्पल लेते हैं, दो रूम्स हैं अलग अलग विद सेम कंडीशंस। अब ये दो सेम रूम है प्लस दोनों में विंडोज हैं और दोनों में ही हमारे पास हमारे इलेक्ट्रिक फिक्स्चर्स हैं, यानी कि लाइट एंड अ फैन। एक लाइट और एक फैन दोनों चीजें हैं, क्योंकि ये तो नॉर्मली हर रूम में होता ही है, हम यूज कभी भी करें फिर। तो पहले ऑप्शन में अब यहाँ पे एक ह्यूमन भी है, मतलब हम वहां पे एक रूम में है अगर, तो हमें क्या जरूरत है। और अगर ये मॉर्निंग और नून के टाइम की बात है दोनों ऑप्शन है, तो हमें जरूरत है लाइट की। और हम फर्स्ट ऑप्शन में क्या करेंगे, हमने कोई विंडो का यूज नहीं किया, हमने डायरेक्ट लाइट्स ऑन की, फैन ऑन किया और इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन कर। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास मतलब अवेलेबल है फैसिलिटी, तो हम उसका यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, जल्दी से उसको यूटिलाइज करते हैं, इंस्टेड कि हम कुछ नेचुरल अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज करें। तो सेकेंड ऑप्शन में हम यही समझेंगे कैसे हमने विंडो और सॉरी लाइट और फैन का यूज ना करते हुए विंडो से हमने एयर वेंटिलेशन का यूज किया है, एयर वेंटिलेशन को अपनाया है और सन रेज को अंदर लाके लाइट का जो भी हमको जरूरत था वो भी यूज किया है। ठीक है, तो आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर नाउ। दिस इज पैसिव डिजाइन, ये होता है पैसिव डिजाइन जहां हम नेचुरली अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज करते हैं और जहां हमें फ्यूल्स का यूज करना पड़ता है, कोई मैकेनिज्म यूज करना पड़ता है, उसको एक्टिव डिजाइन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इज द ओरिएंटेशन ऑफ द बिल्डिंग टू कंट्रोल हीट गेन एंड हीट लॉस। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बिल्डिंग कैसा रखा हुआ है, किस डायरेक्शन में कैसा रखा हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हीट गेन के लिए और हीट लॉस के लिए, दोनों चीजों के लिए। मतलब कितना वो बिल्डिंग हीट गेन कर रहा है, अपने अंदर हीट ले रहा है और कितना हीट लॉस हो रहा है उससे, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो हम सपोज करते हैं ये नॉर्थ साइड है एक साइट का और मुझे यहाँ पे एक बिल्डिंग ऐसा डिजाइन करना है जिसको सनलाइट और वेंटिलेशन प्लस जो ब्लू पोर्शन आप देख रहे हैं वो एक वाटर बॉडी है तो उसका व्यू भी मिले। तो पहले ऑप्शन में मैंने जो लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रॉ किया है उसमें मैंने बिल्डिंग को वर्टिकली प्लेस किया, तो उससे क्या हो रहा है, जो मैंने ब्लैक कलर के एरोस दिखाए हैं वो दिखाता है कि अगर वहां पे दो रूम्स हैं, सपोज करते हैं वो बिल्टअप में दो रूम्स हैं, तो उसको दोनों रूम्स को व्यू मिल रहा है वाटर बॉडी का। और जो राइट साइड मैंने ड्रॉ किया है उसको ध्यान से देखें तो वो हॉरिजॉन्टली ही प्लेस किया हुआ है एक ब्लॉक, तो उससे क्या हो रहा है, उसे सिर्फ एक ही रूम को व्यू मिलेगा वाटर बॉडी का, बट सनलाइट जो होगी वो दोनों रूम्स को मिलेगा, क्योंकि सन का मूवमेंट जब होगा इस टू एड्स तो दोनों रूम्स को या जितने भी रूम्स हैं वहाँ उस बिल्टअप में दोनों को प्रॉपर लाइटिंग मिलेगी। बट यहाँ जो राइट हैंड साइड वाला ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, उसमें सिर्फ एक ही रूम को मिलेगा। अब मैं ट्राई करूंगी कि दोनों चीजें लाइट सनलाइट और वाटर बॉडी का व्यू, दोनों चीजें हम अपने बिल्डिंग को दे सकें। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया है और तीन पार्ट्स में बिल्टअप स्पेसेस को रख दिया है। तो यहां से क्या हो रहा है, तीनों को हमारा व्यू मिल रहा है, आगे पीछे रखी हुई है बिल्डिंग्स, तीनों को व्यू मिलेगा वाटर साइड का और साथ में सन का मूवमेंट होगा, तो सन साइड से भी हमें सारे रूम्स में, हो सकता है एक लिविंग रूम हो, एक ड्राइंग रूम हो, सॉरी एक बेडरूम हो या किचन साइड हो, तो तीनों को सनलाइट भी मिलेगा। इस तरीके से हम डील करते हैं सिचुएशंस को, तो इसीलिए ओरिएंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं,
सो पैसिव डिजाइन यूज इज द शेप ऑफ द बिल्डिंग प्लान सेक्शन टू कंट्रोल द एयर फ्लो. मतलब ये है कि बिल्डिंग का जो शेप होता है इन द फॉर्म ऑफ प्लान और सेक्शन दोनों में उसका फ़र्क पड़ता है एयर मूवमेंट के लिए. तो वो भी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. अब यहाँ पे हम कुछ बिल्डिंग्स लेंगे, अलग अलग साइज़ में रहेंगी वो. ये एक सेक्शनल फॉर्म समझ सकते हैं आप, छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर में इसको बनाया है. और ये क्यों बनाया है वो देखेंगे. तो जब एयर मूवमेंट होगा तो वो इस तरीके से वेंटिलेशन भी होगा, मतलब सारे बिल्टअप्स को प्रोवाइड होगी एयर, जो भी एयर फ्लो हो रही होगी वहाँ से वो तीनों बिल्डिंग्स को मिलेगी. तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं हम बिल्डिंग्स को इस तरीके से. वी ट्राई टू अरेंज इन दीज फॉर्म्स. और इससे क्या होता है, इससे वेंटिलेशन फ्लो अच्छा रहता है, एयर फ्लो. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम बिल्डिंग के शेप के हिसाब से. यहाँ मैंने नॉर्मल स्क्वायर बिल्डिंग्स ली हैं बट उनका अरेंजमेंट थोड़ा अलग है. तो ये फर्स्ट एग्जांपल में देखेंगे, इफ़ एयर मूवमेंट इस तरीके से होगा, अगर बिल्डिंग्स के बीच में स्पेसेस होंगी तो एयर मूवमेंट चारों बिल्डिंग्स को होते हुए अच्छे से वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगा. और नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे, अगर सेम बिल्डिंग्स रखी हुई हैं बट स्टैगर्ड फॉर्म में नहीं है, एक आगे पीछे हैं, तो उसमें क्या फ़र्क होगा. तो जो विंड होगी वो पहले बिल्डिंग को तो मिलेगी बट दूसरे बिल्डिंग को ब्लॉक कर देगी, इस तरह से जिस तरह से ड्राइंग में आपको दिख रहा है. विंड मूव हो जाएगी, आगे की तरफ चली जाएगी. अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, यूजेस मटेरियल टू कंट्रोल हीट. तो यहाँ पे ये मतलब है कि हम अलग अलग मटेरियल्स का यूज़ करते हैं हीट कंट्रोल करने के लिए, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स एंड द पर्पस ऑफ द यूज़. जो भी हम उस हमारा पर्पस है, हमें हीट गेन करना है या हीट का लॉस करना है, ठीक है, तो उस हिसाब से हम मटेरियल्स को डिसाइड करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है, मैक्सिमाइजेस यूज़ ऑफ फ्री सोलर एनर्जी फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग. मतलब ये है कि हम सबसे मतलब ऐसा ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो सोलर एनर्जी और सोलर हीट हमारे पास है, यानी कि सन से जो हमें मिल रहा है, उसको यूटिलाइज़ करें. इसको भी मैं एग्जांपल से समझाती हूँ. यहाँ आपको शो हो रहा होगा पैसिव सोलर हीटिंग स्ट्रेटजीज़. यहाँ तीन स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट है डायरेक्ट गेन. तो हमारा जो ए नंबर पे आपको एक डायग्राम शो हो रहा होगा, डायरेक्ट गेन मतलब होता है डायरेक्ट सनलाइट का यूटिलाइज़ करना. फर्स्ट एग्जांपल में विजिबल है, वहाँ पे एक विंडो है और सन है बाहर, तो वहाँ से डायरेक्ट हीट गेन होगा. सेकेंड है थर्मल स्टोरेज वॉल. इसका मतलब होता है कोई विंडो नहीं है, वहाँ पर वॉल है जिस पर सनलाइट पड़ती है और उससे थर्मल स्टोरेज होता है, मतलब सनलाइट से जो गर्माहट मिल रही है उसका स्टोरेज होता है अंदर रूम में. थर्ड है सन स्पेस, यानी कि द डोमिनेंट आर्किटेक्चरल चॉइस इज डायरेक्ट गेन. अब यहाँ पे क्या है, दो स्पेसेस क्रिएट होगी, एक में थर्मल स्टोरेज होगा और एक में डायरेक्ट गेन भी होगा हीट का, जैसा कि ड्राइंग में दिख रहा है. जो हमने दो एग्जांपल्स की बात की ऊपर, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो ये क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट. तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि पैसिव डिज़ाइन मैक्सिमाइज करता है फ्री वेंटिलेशन कूलिंग के लिए, यानी कि जिससे कि ठंडक बनी रहे रूम्स में, उसके लिए फ्री वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है. एग्जांपल है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ओपनिंग्स प्रोवाइड करें. तो स्क्रीन पे आप डायग्राम देखेंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेंटिलेशन दिखाया गया है. जो एरोज़ है वो एयर मूवमेंट दिखा रहे हैं. इससे हमें पता चल रहा है कि हर रूम में कितने ज़्यादा वेंटिलेशन के लिए ओपनिंग्स विंडोज़ प्रोवाइड किए हैं. तो ये पॉइंट का ये मतलब है. तो अब लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, यूजेस शेड नेचुरल और आर्किटेक्चरल टू कंट्रोल हीट गेन. यानी कि हम शेड्स का यूज़ करते हैं जो कि नेचुरली अवेलेबल हों या फिर आर्किटेक्चुरली डिज़ाइन किए हुए हैं. तो इसके लिए एग्जांपल देखते हैं. यहाँ मैं एक वॉल सेक्शन ले रही हूँ जिसके थ्रू हम समझेंगे. तो यहाँ हम कैसे सनलाइट को कंट्रोल करते हैं अपने हाउस लेवल पे, अपने लेवल पे कैसे कंट्रोल करते हैं नेचुरली, उस पे डिस्कस करते हैं. यहाँ पे एक डेसिडस ट्री लगाया हुआ है घर के बाहर. तो इससे क्या होगा, जो सनलाइट आएगी उस पर थोड़ा सा मतलब उसको थोड़ा सा रोका जा सकता है. इतना ज़्यादा हार्श सनलाइट नहीं पड़ेगा घर पे, मतलब 20% तक हम उसको कम कर सकते हैं अपने घर के अंदर पहुँचाने तक. ये डायग्राम से समझ में आएगा. अब एक और डायग्राम समझते हैं.
जिसमें कि हम सोलर ट्रांसमिशन ज़्यादा कर सकते हैं, 70% तक वो अंदर पहुंचा सकते हैं। ये विंटर्स में यूज़ होता है, इसके पहले जो समझाया वो समर्स में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ डेसिड्यूस प्लांट्स ट्रीज़ को लगाकर हम सन को रोक सकते हैं। और इसमें हम थोड़ा ड्राई ट्री दिखाएंगे, जिससे ड्राई मतलब जिसमें लीव्स कम हो, जो डेसिड्यूस ना हो, घना ना हो, उसका यूज़ करते हुए हम कैसे सनलाइट को पहुँचा सकते हैं अंदर। ये विंटर्स में ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब ये है कि ट्री इसलिए दिया हुआ है कि एक प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी, बैरियर भी रहेगा, प्लस हमारा जो पर्पस है सनलाइट अंदर पहुंचाने का वो भी फुलफिल हो जाएगा। अब कुछ और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, नेचुरल शेडिंग समझ लेते हैं, कुछ और ऑप्शंस जो हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी सेम तरीके से मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एक वॉल सेक्शन है। अब यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने कोई प्लांटेशन या कोई ट्री का यूज़ नहीं किया है। हाँ, प्लांटर्स रहेंगे, स्मॉल प्लांट्स रहेंगे, श्रब्स रहेंगी, बट बिग ट्रीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये फर्स्ट एग्जांपल में आपको शो हो रहा है कि एक स्क्रीनिंग जैसा क्रिएट किया है, एक पिलर हो सकता है या पोल हो सकता है, जिस पे हमने क्लाइंबर्स का यूज़ किया हुआ है, जिससे कि कुछ लेवल पे हमारा सनलाइट कम पहुँचेगा, मतलब हार्श सनलाइट नहीं पहुँचेगा उस पे, बैरियर्स के थ्रू थोड़ा सा कम होते हुए सूदिंग सनलाइट मिलती रहेगी। आज का ये लेक्चर यहाँ पे एंड होता है, और इसके आगे हम पैसिव टेक्निक्स के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, जो थंब रूल्स फॉलो करने होते हैं पैसिव डिज़ाइन के लिए, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट पैसिव डिज़ाइन, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसके बारे में पता चलता जाएगा। और इसके लिए आप बेल आइकन को भी पुश कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।